जौनपुर के मदन गोपाल स्कूल के 17 बच्चे मैंगो बाइट चॉकलेट खाने के बाद से ही सिरदर्द की शिकायत लेकर लता मंगेशकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर एवं स्कूल प्रशासन का कहना है कि कुछ अनजान व्यक्तियों ने बच्चों को स्कूल गेट के समीप मेट्रो स्टेशन के पास चॉकलेट खिला दी, जिसके बाद एकाएक सभी बच्चे चक्कर खाकर गिरने लगे। आइए जानते हैं आखिर क्या है यह पूरा मामला। शनिवार को नागपुर में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां सीताबर्डी की मदन गोपाल स्कूल के 17 बच्चों को स्कूल गेट के सामने किसी अनजान व्यक्ति ने चॉकलेट खिला दी, जिसके बाद एकाएक सभी बच्चे चक्कर खाकर गिरने लगे। आपको बता दें कि इस वक्त स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गई थी, जिसके बाद सभी बच्चों को नजदीकी लता मंगेशकर हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां 10 बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है तो वहीं 7 बच्चों का आईसीयू में इलाज जारी है। पुलिस ने शिकायत दर्ज तुरंत कर दी थी, हमारी मैडम श्रीमती अनुराधा पाल के मैडम ने तुरंत एक्शन लिया, उन्होंने अगर एक्शन ली है उसी के कारण सब बच्चे भी अच्छे। स्कूल सुपरवाइजर की माने तो कुछ अनजान व्यक्ति जो चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे गेट के सामने आए और उन्होंने बच्चों को खाने के लिए चॉकलेट दी, जिसके तुरंत बाद यह हादसा घटित हुआ। 17-18 लोग हैं जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले, मदन गोपाल अग्रवाल स्कूल के सामने ये हुआ है। कुछ अननोन लोग थे जिन्होंने कुछ चॉकलेट्स बच्चों को दिए है और वो चॉकलेट खाते ही बच्चों को वहाँ पे उल्टियाँ चक्कर आने चालू हो गए, तो सब के सब यहाँ पे लता मंगेशकर बर्डी हॉस्पिटल में आए, उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दी गई है। कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर वगैरह सब हमारी पूरी टीम ने, अभी सारे बच्चे ओके हैं, उसमें 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने थोड़ा ज़्यादा चॉकलेट खाया तो उनको उल्टियाँ वगैरह अभी कंट्रोल में आने की बाकी है, लेकिन सब आउट ऑफ डेंजर है और सब ओके है, कुछ घंटे बाद उनको डिस्चार्ज दिया जाएगा। जो पुलिस ने जो बताया है कुछ मैंगो बाइट या कुछ ऐसे चॉकलेट फ्लेवर दिखाए उन्होंने, जो खाते ही बच्चों को ये सब फूड पॉइजनिंग जैसा कुछ पिक्चर सामने आए हैं और उल्टियाँ वगैरह चालू हुई है। आपको बता दें कि फूड पॉइजनिंग पेट से संबंधित वह संक्रमण है जो कि स्टेफिलोकोकस नामक बैक्टीरिया वायरस और अन्य जीवाणुओं के पेट में जाने से होता है। ये बैक्टीरिया वायरस और अन्य जीवाणु जब खाने के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं तब इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। फिलहाल 17 बच्चों को हुई फूड पॉइजनिंग के संबंध में पुलिस उपायुक्त तहकीकात कर रही हैं। फूड पॉइजनिंग म्हणतो ना येणार जे काय सुरुवातीला प्राथमिक माहिती अशी की चॉकलेट वाटले गेले, आता तो व्यक्ति कोण किंवा इतर कोण अजून आयडेंटिटी आम्ही तपास चालू आहे। एकंदरीत 17 मुलं सध्या उपचार घेत आहेत, मुली पण आहेत आणि त्याच्यामध्ये आउट ऑफ डेंजर आहेत, काळजीची गरज नाही। काही मुलं अशी आहेत ज्यांनी चॉकलेट खाल्लं नाही पण त्यांना एक त्रास होते असं सांगता येत, तर त्याच्या पद्धतीने उपचार सुरू आहेत आणि कोण सदर व्यक्ती कोण होता नव्हता किंवा इतर काय प्रकार आहे किंवा बड्डेचे कोणी चॉकलेट त्यामध्ये शाळेत वाटले का ह्या प्रकारे आपण तपास करत आहोत आणि सदर तपास पूर्ण झाल्यानंतर पुढील माहिती आपल्याला देता येईल। त्याबद्दल आम्ही आणखीन माहिती घेत आहोत, अजून आणखीन त्या गोष्टी क्लिअर झालेल्या नाहीत, त्यावेळेस पुढे क्लिअर होतील त्यावेळेस पुढची माहिती देता येईल आपल्याला। आतापर्यंत आमच्या तपासात तसं निष्पन्न झालेलं नाही, जोपर्यंत निष्पन्न होत नाही त्यावर बोलण्यात काय, आउट ऑफ डेंजर आहेत, नॉर्मल आहेत, मुलं बोलतायत, काही प्रॉब्लेम नाही आहे, पण अंडर ऑब्झर्वेशन खाली आहेत। अखेर बच्चों को दी जाने वाली चॉकलेट और मास्क लगाए ये व्यक्ति किस मंशा से स्कूल के गेट के सामने आए थे व कौन थे इसका भी पता पुलिस लगा रही है। NBC न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। बाइट पुलिस उपायुक्त।